फ्रेंड्स, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी कहीं भी किसी भी मेंबर का अगर अंदर में रॉड है और आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है कहीं का भी, तो वो कैसे निकालेंगे आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बीम हो, स्लैब हो, कहीं भी आपको अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे देखो ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है और ये आपका स्टीरअप आ गया। इसमें सपोज देखो बहुत सारा होता है ना, बहुत सारा वर्टिकल बार है जिसे मेन बार बोलते हैं, बहुत सारे हैं। अब इसके अंदर में क्या होता है कि फिर एक स्टीरअप ऐसा आता है, टू लेग, थ्री लेग, बहुत सारा ऐसा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, वर्टिकल बार का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बिना आप ये लेंथ ही नहीं निकाल पाओगे, इसका कटिंग लेंथ ही आप नहीं निकाल पाओगे जो अंदर में स्टीरअप है। ठीक है, तो ये सेंटर टू सेंटर अगर मैं आपको बता दूँ ना, तो हर तरह का स्टीरअप होगा, आप निकाल लोगे। ठीक है, तो चलो वही मैं आज आपको सिखाऊंगा वो कैसे करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने वेबसाइट के बारे में बता दूँ। देखिए ये है मेरा वेबसाइट, यहाँ पे देखिए आप www.learningtechnologyofficial.com। ठीक है, यहाँ पे आज लाने का मेरा मेन मकसद क्या है, यहाँ देखिए आप साइट पे मुझे फॉलो करने के लिए आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे किसी भी फॉलो कर सकते हैं क्लिक करके। और सबसे अच्छा है देखिए ये फेसबुक का पेज है, इसे आप लाइक करके ज़रूर रख लें, क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। यहाँ पे आप मुझसे जुड़े रहें क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत कुछ शेयर करता रहता हूँ इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो इस पेज को ज़रूर लाइक कर लें, ठीक है। लाइक करने पर आपका कुछ नहीं जाएगा, बट बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने के लिए मिल सकता है। तो वेबसाइट कैसा लगा ज़रूर बताइए, चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग ड्रॉ किया हूँ, मैंने इसे पूरा नहीं बनाया हूँ, मैं काट दिया हूँ। ठीक है, जैसे देखिए ये एक बीम का सेक्शन है, कॉलम का सेक्शन है, वट एवर कुछ भी मान लो। ठीक है, अब देखो ये साइड मुझे सिर्फ ज़रूरत है, ये 600 mm का है टोटल, मैंने ये नहीं डेप्थ वेप्थ नहीं पकड़ा या कॉलम का ये साइड नहीं पकड़ा, ज़रूरत नहीं है। अगर इस साइड में बहुत सारा रॉड होता वर्टिकल निकालना पड़ता तब उसका ज़रूरत था। मैं जस्ट एक साइड दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। डाया ऑफ बार क्या है, 20 mm, कौन सा डाया, ये वाला जो मेन बार है ये 20 mm का है। ठीक है, कवर कितना है, क्लियर कवर मैंने इधर से 40 पकड़ा है, इधर से भी 40 पकड़ा है, दोनों साइड से एक ही होगा। मैं मतलब मेरा कहने का मतलब है क्लियर कवर 40 mm। और डाया स्टीरअप्स कितना है, 10 mm, ये जो स्टीरअप्स है, ये जो स्टीरअप है ये है 10 mm का, राइट। चलो इतना तो क्लियर हो गया ना आपका। अब जस्ट ये सेंटर टू सेंटर निकालने का जो फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट क्या करूँगा फॉर्मूला आपको बताता हूँ। शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, मेरे फेसबुक के पेज को ज़रूर लाइक करें जाके, और आप भी अपना वहाँ पे नॉलेज शेयर करें, प्लीज़ आप भी अपना नॉलेज शेयर करें ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊँ। मैं बहुत कुछ मुझे भी सीखना है अभी, तो मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर मुझे आपका कुछ भी टॉपिक, कुछ भी जो आप शेयर कर रहे हैं मुझे अच्छा लगा, आपका जेन्युइन होगा, तो मैं क्रेडिट दूंगा, मैं अपने वेबसाइट पर डाल के आपके नाम से क्रेडिट दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का, सेंटर डिस्टेंस अगर निकालना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे आते हैं, मुझे ये रेड देखिए मैंने डॉटेड में ड्रॉ किया है, ये लेंथ मुझे निकालना है, ये लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टोटल ले लेता हूँ जो कि है 600 माइनस 600 में माइनस क्या करेंगे, इधर से कवर माइनस करेंगे, इधर से कवर माइनस करेंगे, मतलब 2 इंटू क्लियर कवर। ठीक है, अब इसमें माइनस क्या करना है, देखिए स्टीरअप का डाया इधर से माइनस करेंगे, स्टीरअप का डाया इधर से माइनस करेंगे, मतलब 2 इंटू स्टीरअप डाया। ठीक है, अब इसमें और क्या माइनस करना है, हम लोग कहाँ तक आ गए, कवर माइनस कर दिए, स्टीरअप माइनस कर दिए, अब दो बार का सेंटर टू सेंटर में जाना है ना, तो ये जो मेन बार है इसका हाफ माइनस करेंगे। ठीक है, आप देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, हम लोग को सेंटर तक जाना है, तो इधर से ये हाफ माइनस करेंगे, इधर से ये हाफ माइनस करेंगे, तब जाके हम लोग सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो
टू इंटू हाफ ऑफ मेन बार, मेन बार या जो भी होगा वहाँ पे वर्टिकल बार जो भी है, ठीक है, इसको इतना निकाल कर, ये निकाल देने से आप पता है एक्चुअली में ये फॉर्मूला हम लोग निकालें, सपोज देखो ये कॉलम है, अगर ये फॉर्मूला हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ एक रॉड है, यहाँ एक रॉड है, यहाँ एक रॉड है, इस पे स्टीरअप ऐसे घेरा हुआ है। तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला डाले हैं ना वो हम लोग को बता रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का अंदर में कितना भी हो सकता है। इसी तरह इस ड्राइंग में हम लोग इस सेंटर से इस सेंटर तक अभी निकाले हैं, अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कितना में करेंगे, जितना पार्ट है यहाँ पे, एक दो, ठीक है, यहाँ पे देखो कितना पार्ट है, एक दो तीन चार, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई करेंगे। अच्छा सिंपल आपको फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, नंबर ऑफ बार माइनस वन, यहाँ पे देखो टोटल मेन बार कितना है, एक दो तीन ना, तो नंबर ऑफ बार माइनस वन कर देना आप। यहाँ भी देखो टोटल मेन बार कितना था, एक दो तीन चार पाँच, पाँच ना, फाइव माइनस वन फोर आया ना, देखो एक दो तीन चार, ठीक है, तो नंबर ऑफ बार माइनस वन। चलो फॉर्मूला तो पता चल गया, बस पुटिंग एंड गेटिंग, 600 माइनस टू इंटू क्लियर कवर कितना था 40, माइनस टू इंटू स्टीरअप्स डायर कितना था 10, माइनस टू इंटू हाफ ऑफ मेन बार कितना है 20 का, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बार कितना है 3 माइनस वन, इसे आप कैलकुलेट करोगे ना तो देख लेना आपका आएगा 480 बाई 2, इसे काट दोगे तो आपका आएगा 240 mm, मतलब सेंटर टू सेंटर कितना आ रहा है 240 mm, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर कुछ नया लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने रिक्वेस्ट को मुझे भेजते रहें, मेरे वेबसाइट पर जाइए, फेसबुक पे आप अपना रिक्वेस्ट मुझे भेज दीजिए मेरे फेसबुक पेज पे, तो मैं वहाँ पे एक्टिव हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, जल्दी आपका रिक्वेस्ट मुझ तक पहुँचेगा। चलो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।